आयोग की रिपोर्ट को बताया बेकार। एसीएल के हरियाजाम कोलरी में यूनियन नेताओं ने मजदूरों के समर्थन में कोलरी प्रबंधक के खिलाफ किया घेराव, मजदूरों ने जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल जिस तरीके से बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, लेकिन बिहार के एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने ही अब सुशासन की पोल खोल दी है। दरअसल वो अधिकारी हैं सुधीर कुमार, पटना के एसटी थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, लेकिन थाना प्रभारी ने 2 घंटे तक उन्हें इंतजार करवाया। सीनियर आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उनके बीएसएससी अध्यक्ष रहते हुए 2014 में इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक मामले में 2017 में सुधीर कुमार को निलंबित करते हुए गिरफ्तार किया गया था। सुधीर कुमार सिंह के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराने पहुंचे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। मीडिया ने उनके कई सवाल किए, लेकिन फिलहाल वो अपनी शिकायत दर्ज कराने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार के आईएएस अधिकारी सीधे तौर पर अब थाने पहुंचे और वो एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। हालांकि इसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया ने उनसे कई सारे सवाल किए हैं, लेकिन वो सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने ये कहा जा रहा है कि वो कई बातों का खुलासा कर सकते हैं और उनके जो ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे इससे पहले उन्होंने निलंबन का भी कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं और उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा था। गिरफ्तार उनको किया गया था 2017 में और अब वो थाने पहुंचे हैं, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो कई बातों का खुलासा कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि सुधीर कुमार ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अब मीडिया की नजर बनी हुई है। तो बिल्कुल सुधीर कुमार पहुंचे, आपको बता दूं जरा सा कौन है ये सुधीर कुमार और कौन है उसके बारे में आपको बता दूं तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अफसर हैं सुधीर कुमार, जिनके बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। दरअसल भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अफसर सुधीर कुमार को निलंबन मुक्त कर दिया गया है और इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक 2014 के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद 24 फरवरी 2017 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। निलंबन मुक्त होते ही उनको राजस्व पार्षद का अपर सदस्य बनाया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वो अध्यक्ष थे। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र जब लीक हुआ था उस वक्त सुधीर कुमार बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न पत्र को लेकर के पटना के अगमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान प्रश्न पत्र लीक मामले में उनके संलिप्तता के साक्ष्य मिले थे। इसके बाद 24 फरवरी 2017 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सरकार ने गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें निलंबित कर दिया था। इसी साल 7 अक्टूबर को वह जेल से बाहर आए हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को यानी कि 7 अक्टूबर 2020 को वो जेल से बाहर आए। निलंबन से मुक्त होने की अनुशंसा की गई थी। उन्होंने अगले दिन सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान भी दिया और निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध किया था। 23 नवंबर को राज्य ने निलंबन समीक्षा समिति की बैठक हुई जिसमें उन्हें निलंबन से मुक्त करने की अनुशंसा की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उन्हें संकल्प जारी कर दिया गया और इस तरीके से उनका कार्यकाल रहा। तो सुधीर जो है वो सीधे तौर पर अब पहुंचे हैं और एफआईआर दर्ज कराने की बात की जा रही है, लेकिन उनको घंटों इंतजार करना पड़ा और अब वो थाने पहुंचे हैं और ये कहा जा रहा है कि कई साक्ष्यों को वो सामने ला सकते हैं। दो मिनट में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी एफआईआर आपको दिया गया अभी हमारे पास देख लेंगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उनकी तरफ शिकायत है कि 2 घंटे देख लीजिए उससे मिल लेने दीजिए बात कर लेंगे अभी तो कोई एफआईआर का देख लेने दीजिए पहले देख तो ले उनसे मिल लेंगे 2 मिनट। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि साफ तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक जो अधिकारी है वो अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के सीधे तौर पर वहां पहुंचे हैं और आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि उनका कहना है कि जब वो
अपने आवेदन को लेकर के जब अपनी अर्जी को लेकर के थाने पहुंचे तो थाना अधिकारी जो है वो उनके आवेदन को लेकर के 2 घंटे से फरार बताए जा रहे हैं और वो उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में वो मामले को लेकर के कई बातें सामने आ रही है और सीधे जुड़ेंगे हमारे जो सहयोगी हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके की बातें हैं। लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर के भी साफ तौर पर अब सुधीर कुमार से जोड़ करके देखा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। निषेध, जिस तरीके से सुधीर कुमार को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बड़ा खुलासा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरा ये बताइए कि आरोप जो वो लगा रहे हैं कि थाना अध्यक्ष 2 घंटे से फरार हैं और वो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूर्व आईएएस एक आईएएस के पद पर रह चुके और उनकी कंप्लेन अगर थाने पे नहीं ली जाती है तो वाकई में शर्मनाक है। और जिस तरीके से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि थाना प्रभारी पर दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि 12 बजे के करीब में सुधीर कुमार पहुंचते हैं थाने में FIR दर्ज करवाने के लिए SC ST थाने में, और वहाँ पे 2 घंटे तक जो थाना प्रभारी है वो वहाँ से गायब रहते हैं FIR की जो कॉपी है उनकी वो लेकर के। और लगातार सुधीर कुमार इस बात को कह रहे हैं कि मुझको FIR दर्ज करवाना है। जब उनसे नाम पूछा गया कि आखिर किसके किसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना है, तो उस दरमियान उनका कहना है कि कई बड़े लोग हैं इसमें शामिल। चलिए निषेध, आपको रोकते हैं, उससे पहले जरा सा जो IAS अधिकारी है सुधीर कुमार, उनका बयान भी सामने आ चुका है और वो क्या कुछ बोल रहे हैं पहले एक बार उनको सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। वहाँ सीनियर SP और DSP सचिवालय उपस्थित, उनके उपस्थिति में हमको जैसे आज मुहर मार के दिया गया है FIR, थानेदार ने मुहर मार के दे दिया कि साहब आपका हम कर लेंगे। आज 3 महीना हो गया है, उस पर कोई FIR नहीं हुआ है। सीनियर SP को लिखा गया, RTI में मांगा गया, क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो इसीलिए ये FIR होगा कि नहीं ये हमको पता नहीं है। मामला क्या है FIR? मामला तो बताइए, आपके साथ जल्दी है सर, अभी बताए सुने नहीं है। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से जो IAS अधिकारी हैं वो सामने हैं और अब उन्होंने कह दिया है कि वो FIR होगा कि नहीं ये वो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी कुछ बोलने से वो कतरा रहे हैं। क्या लगता है निषेध, बोलने से कतरा रहे हैं अधिकारी महोदय? अब बिल्कुल देखिए, अभी वो नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, नाम वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि कई बड़े अधिकारी हैं जिनके खिलाफ वो FIR दर्ज करवाने आए हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके खिलाफ नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके जो सचिव हैं उनका इसमें हाथ है, क्योंकि 2014 में इंटर का जो एक पेपर लीक हुआ था उस लीक पेपर लीक मामले में इनका नाम आया था और उस समय इनको जेल भी जाना पड़ा था। और अब जब ये जेल से वापसी आए हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्लान बना लिया है कि आखिर जिन लोगों ने इनको फंसाया था उन लोगों का नाम अब ये खोलेंगे, उन लोगों के नाम का खुलासा करेंगे। लेकिन 2 घंटे इनको रुकना पड़ा FIR जब ये दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं तो थाना प्रभारी FIR कॉपी लेके वहां से गायब हो जाते हैं 2 घंटे तक। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस मामले को शांत करने की भी कोशिश की जा रही है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इससे आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक IAS अधिकारी जो पूर्व में IAS के पद पे थे लेकिन अब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, तो आम लोगों बिल्कुल अब उनकी कोई नहीं सुन रहा और आम लोगों की कौन सुनेगा। साफ तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब एक IAS अधिकारी जो रहा जिसने पूरे सिस्टम को जाना है, जिसने पूरे व्यवस्थाओं को समझा है, काम किया है उसके साथ मिल करके, और उसके बाद अगर सुशासन की सरकार ये कही जाती है या सुशासन की सरकार कहने वाले ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ बेहतर चल रहा है, तो फिर थाने IAS अधिकारी को कैसे पहुंचना पड़ा? और वो पहुंचता है उसके ऊपर गंभीर आरोप है, हालांकि गंभीर आरोप के बाद अब वो कई नामों का खुलासा कर सकता है ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, ये कहा जा रहा है। जिसमें से निषेध ने हमारे सहयोगी ने बताया कि मुख्यमंत्री के सचिव जो है वो भी उसके साथ संलिप्त है, हालांकि ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के विषय के बाद ये बातें सामने आ सकती है कि क्या कुछ
पूरा मामला है और किस तरीके की बातें हैं। साथ ही साथ जो सुधीर कुमार अगर थाने पहुंचे हैं वो एफआईआर करते हैं तो उसपे क्या कुछ अंकित है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें सामने है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या लगता है निषेध, सुशासन की सरकार है ये? अब बिल्कुल देखिए, इस मामले के बाद ये कहना ये बिल्कुल गलत होगा कि सुशासन की सरकार है, क्योंकि जब कंप्लेन ही नहीं लिखा जा रहा है, कोई अगर फरियादी फरियाद लेके थाने पहुंचता है तो सबसे पहले पुलिस का जो काम है उसका कंप्लेन लिखना, क्या उसकी क्या कुछ उसके साथ हुआ है वो जानना। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है इस मामले में जो सामने आ रही है बातें, एफआईआर की जो कॉपी है वही जब थाना प्रभारी लेके गायब हो जाते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं, और दो घंटे के बाद जब सुधीर कुमार थाने से बाहर आते हैं तो उस वक्त वो जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो उस दौरान भी वो कहते हैं कि आप खुद ही इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सुशासन का सरकार है यहाँ पे, फरियाद उनकी बिल्कुल क्या सुशासन की सरकार है और स्थिति क्या है, ये सब कुछ अब सामने है साफ तौर पर। हालांकि अब अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरी स्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ पूर्व आईएएस अधिकारी जो है सुधीर कुमार वो आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब वरीय अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और वहां की स्थितियों के बारे में क्या कुछ होगा वो सब कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निषेध, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। तो आपको बता दूं कि साफ तौर पर बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी जो है सुधीर कुमार वो थाने पहुंचे हैं और उनके ऊपर पहले गंभीर आरोप लगे हैं, वो जेल जा चुके हैं। हालांकि उसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरे मामले में कई सारे खुलासा वो कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर बाढ़ को बड़ी सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही। दरअसल उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ये कहा कि जब वो बाढ़ से चुन करके आए थे तब उन्होंने बहुत कुछ किया। हालांकि वो हमेशा बाढ़ के लिए सोचते आए हैं और बाढ़ के लिए करते आए हैं, आगे भी वो बाढ़ के लिए करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों को भी याद किया और कई बातें कही, साथ ही साथ उन्होंने बिहार को बाढ़ को और सौगात देने की भी बात कही है। बाढ़ जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी था वो हट गया, मुझे कितना दुख हुआ था। और उसके बाद से ही हमने फैसला ले लिया कि चलो अब पार्लियामेंट का कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप ये जान लीजिए कि हमारा बाढ़ से क्या लगाव रहा है और उसके लिए क्या करते रहे हैं ये सबको मालूम। अब उस समय जो कितना हम घूमते रहते थे, हम केंद्र में अगर मंत्री भी थे श्रद्धेय अटल जी की सरकार में, तो भी हम आ ही जाते थे और कभी यहां कभी वहां। कौन ऐसा मौसम है जिसमें हम नहीं घूमते थे? जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सब समय किसी न किसी प्रकार से घूमना। और पूरा का पूरा तो मेरा प्रतिदिन टाल का उदाहरण है, तो 12 किलोमीटर प्रतिदिन की यात्रा होती थी जब हम घूमते रहते थे। और एक बार तो हमको याद है कि हमको 16 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो हम ये सब भूलते हैं और बाद में देखिए लोगों को पूरा भरोसा था और अब देखिए चलने में किसी को दिक्कत होती है, किस तरह से कितनी सड़कें बन गई, कितना पुल बन गया। और डाल एरिया के विकास के लिए भी सबसे पहले हमने जो जब हम हरनौत के विधायक थे तभी हमने जो शुरू किया था। वही सभा के दौरान जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बाढ़ को संबोधित किया तो दूसरी तरफ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और ललन सिंह ने बड़ी बयान दे दिए हैं। दरअसल बड़े बयान के दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही, उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सारे ने हम जम के बोले कि नीति आयोग जो कागज पे बैठ के कागज पे ये कर रही है, हमने कुछ भारत सरकार के जो बड़े अफसर सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो मेरे मित्र हैं उनसे पूछे कि क्या ये सब नीति आयोग क्या करती है, तो बोला वो जो बड़े अफसर जो भारत सरकार के हैं, जो आईएएस अफसर ज्वाइंट सेक्रेटरी से एडिशनल सेक्रेटरी सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब लोग का अपना कागज पर ही बैठ के देख के अपना सुन के बात कर देते हैं। इस तरह का नीति आयोग का इस तरह का ये है, कोई धरातल पर उन्हें काम नहीं करती है नीति आयोग, तो इस तरह का समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमने तो काफी बोला, काफी छपा भी और कोई कंट्राडिक्शन भी नहीं आया किसी का उस पर। तो इस तरह से बिहार में विकास, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, कोई क्षेत्र अधूरा नहीं। पूरे बरसात के दिनों में आज
क्या है, हर गांव में बिजली उपलब्ध है, विकास तो पूरे बिहार में हुआ है विकास का, बिजली का। और ज्ञानी जी चर्चा कर रहे थे नीति आयोग को, छोड़िए ना नीति आयोग, नीति आयोग को जो किताब छापना है वो छापता रहे। बिहार की जनता जानती है और बिहार के एक एक लोगों के मन में और एक एक लोगों के दिल में नीतीश कुमार जी बसते हैं, इसलिए बिहार का विकास। अब नीति आयोग किताब छापते रहे, कौन पढ़ने जाता है नीति आयोग की रिपोर्ट, अखबार में छपवाते रहते हैं, तो वहां से जो बैठे बैठे कागजी जो शेर लोग हैं वो अपना करते रहे। लेकिन जो विकास बिहार में हुआ है, ठीक कहा जानू जी ने, बिहार में जो विकास हुआ है किस प्रदेश में हुआ है। इधर महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर सड़कों पर जमकर जो कार्यकर्ता थे, हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा की और इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। साथ ही साथ इस पूरे प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, इसके साथ साथ विधायक दल के नेता अजीत कुमार शर्मा और बिहार प्रभारी भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान एक युवक के साथ हाथापाई भी कर दी। दरअसल युवक ने राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए थे, जिसके बाद नाराज कार्यकर्ताओं ने युवक को थप्पड़ से मार दिया, जिसके बाद युवक ने साफ तौर पर ये कहा कि उसका अपना अधिकार है और वो जो चाहे जिसको पसंद कर सकता है। लेकिन तब तक कार्यकर्ताओं ने युवक के साथ हाथापाई शुरू कर दी, हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन को बचाव में आना पड़ा। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि आज प्रदर्शन हुआ। दरअसल कांग्रेस जो है वो महंगाई के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन कर रही थी और ऐसे में अब प्रदर्शन के आखिरी दिन यानी कि 17 तारीख को कांग्रेस का प्रदर्शन जो था वो आखिरी दिन था और इस दौरान राजधानी पटना की सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैदल और साइकिल मार्च भी किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, देखते रहिए डीटीवी भारत। रक्तदान जीवन दान, आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44 PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकड़बाग, पटना। हमें संपर्क करें 09504313597।
रक्तदान जीवन दान। आइए हम सब निवेदा अस्पताल के रक्तदान महाशिविर का हिस्सा बने, क्योंकि आपके द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियां बचा सकता है। 25 से 29 जुलाई तक रक्तदान का महाशिविर। निवेदा ब्लड सेंटर में एक रक्तदान का महाशिविर आयोजन करने जा रहा हूँ। हमारा पता है निवेदा हॉस्पिटल, G44 PC कॉलोनी, नियर पार्क नंबर 22, मेन रोड, कंकरबाग, पटना। हमें संपर्क करें 09504313597। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात कटिहार की करेंगे। दरअसल कटिहार में भीड़ ने पुलिस महकमे को निशाना बनाया। पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसको लेकर के कदवा थाना के पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही उन पर भीड़ द्वारा जानलेवा हमला कर दिया गया। थानाध्यक्ष रंजय कुमार सिंह समेत 3 दस्ती वाहनों से पुलिस आई थी, जिन्हें खदेड़ खदेड़ कर सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि पुलिस वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ के बीच फंसे सब इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह के साथ भीड़ ने बदसलूकी करने के साथ ही उन पर जमकर लाठी भी चटकाई। इधर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल के सिमरी पंचायत में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बच्चों को रोचक तरीके से स्कूल एवं पूर्व शिक्षा और पोषण देना है। इस दौरान मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के पोषण वाटिका में वृक्षारोपण कर जिलाधिकारी ने लोगों से पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष लगाने की भी अपील की। पंचायत में यह एक केंद्र नया बना है और जिससे इनका सहायकों के चाबी हैंड ओवर की गई और देख रहे हैं कि बहुत काफी मॉडल के रूप में बनाया गया है, ताकि बच्चे चित्र के माध्यम से अपना मानसिक विकास कर पाए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खेलने की व्यवस्था है, किचन गार्डन भी है, टीकाकरण कक्ष भी है और पानी पीने की व्यवस्था है, किचन है, एक संपूर्ण एक स्थल है जहाँ पे बच्चों के बचपन का विकास होगा यहाँ पे। इधर जमुई के खपरिया पुल के पास कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में कार सवार 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमुई रेफर किया गया। इधर सुपौल में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में दुल्हन के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद घायल का इलाज सहरसा के एक निजी क्लिनिक में चल रहा है। यह घटना प्रतापगंज थाना इलाके के गोविंदपुर की है, जहां शादी के दौरान वरमाला हो रही थी और इसी दौरान एक शख्स ने हथियार लहराते हुए फायरिंग की, जो दुल्हन के पैर में जा लगी। फिलहाल डॉक्टरों ने पीड़िता के पैर का सफल ऑपरेशन कर उसे बचा लिया है। हालांकि इस दौरान पुलिस को घटना की सूचना तक नहीं दी गई, जिसकी वजह से मामले पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। क्या हुआ? इधर लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र मननपुर में महिला का प्रसव कराने के नाम पर A&M ने प्रसूता से डिलीवरी कराने के लिए अवैध रूप से 600 रुपए की मांग की। जब पैसे लेने का मामला उजागर हुआ तो A&M सुधा कुमारी ने प्रसूता के ऑपरेशन की स्टिच हाथ से ही तोड़ दी। इससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई। हालत खराब होने पर महिला को लखीसराय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हो सका और उनकी जान बचाई गई। इधर मामले को लेकर के प्रसूता के पति प्रवीण कुमार ने DM और सिविल सर्जन को पत्र लिखकर A&M सुधा कुमारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़िता के पति के अनुसार गुरुवार को अपनी पत्नी काजल कुमारी का प्रसव कराने मननपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा था, जहां कार्यरत A&M सुधा कुमारी के द्वारा प्रसव कराने के नाम पर 600 रुपए की मांग की गई थी।
बढ़ेंगे आगे और बात मोकामा की करेंगे। दरअसल मोकामा प्रखंड के मरांची गांव में मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर एके शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने का एकमात्र तरीका अधिकाधिकरण टीकाकरण है। आम जनता को टीका लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। देश में उपलब्ध सभी वैक्सीन काफी कारगर है, लिहाजा टीकाकरण के प्रति देशवासियों की जागरूकता ही संभावित तरीके से लहर से महफूज रखेगा। आहट जो है चारों तरफ दिखाई पड़ रही है, मैंने सुनाई पड़ रही है, और तीसरी लहर की लड़ाई के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है, बच्चा को इसमें उतना संक्रमण का संभावना है, लेकिन बच्चा में माइल्ड केस के ही रूप में आएगा, और माइल्ड केस में निश्चित तौर पर जो भी जहां पर निबंधित डॉक्टर हैं, जहां पर क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे ही दिखाने का प्रयास करें। दवा दुकान पर जाकर दवा का प्रयोग नहीं करें। दूसरी चीज़ यह है कि जितना भी वैक्सीनेशन जितना भी सरकार प्रबंध कर रही है, सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन की भरपूर हर जगह सेंटर जो है उसको चालू किया जाए, और चालू करने के साथ साथ जितना भी वैक्सीनेशन होगा उतना ही देश सुरक्षित होगा। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताज़ातर इन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रक्तदान जीवन।